आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। बुद्धि के दाता भगवान गणेश इस साल 7 सितंबर को विराजित होने वाले हैं। भगवान गणेश के विराजित होने को गणेश चतुर्थी अथवा कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। जानकार विद्वान बताते हैं कि गणेश चतुर्थी के की रात को चंद्र दर्शन की मनाही होती है। गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी व गणेश चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस साल गणेश चतुर्थी का त्योहार शनिवार 7 सितंबर 2024 को है। भगवान श्री गणेश के जन्म दिन के उत्सव को गणेशोत्सव या गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार सनातन धर्म के अलावा अन्य सभी के द्वारा हर्षोल्लास के साथ 10 दिनों तक मनाया जाता है और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन के साथ इस त्योहार का समापन होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चतुर्थी तिथि के दिन चंद्र दर्शन की मनाही होती है। पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि के प्रारंभ व अंत के आधार पर चंद्र दर्शन लगातार 2 दिनों के लिए वर्जित हो सकता है। खास तौर पर संपूर्ण चतुर्थी तिथि के दिन चंद्र दर्शन की मनाही होती है। आइए जानते हैं कि आखिर गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन की मनाही क्यों होती है। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित माना गया है। मान्यता है कि चंद्र दर्शन करने से मिथ्या दोष या मिथ्या कलंक लगता है, जिसकी वजह से दर्शन करने वाले व्यक्ति को चोरी का झूठा आरोप सहना पड़ सकता है। भविष्य पुराण और गणेश पुराण में भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि के बारे में बताया गया है कि इस दिन चांद को देखने से व्यक्ति पर मिथ्या कलंक लगता है, क्योंकि चंद्रमा को गणेश जी का शाप लगा है। दरअसल भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को एक समय जब गणेश जी भोजन उपरांत हाथ में मोदक लिए जा रहे थे, तो गणेश जी के गजमुख रूप को देखकर चंद्रमा ने उपहास के स्वरूप हंसा। इससे क्रोधित होकर चांद को गणेश जी ने शाप दे दिया कि आपको अपने रूप का बड़ा अहंकार है, तो अब से आपको कोई नहीं देखेगा और जो कोई भी देख लेगा उसे मिथ्या कलंक लगेगा। अगर आप बुद्धि के दाता भगवान गणेश की आराधना करते हैं और अगर आप एक दंत भगवान गणेश के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय गणेश लिखना न भूलिए। शाप मिलते ही चंद्रमा दुखी हो गए और गणेश जी से क्षमा मांगने लगे। फिर देवताओं के समझाने पर गणेश जी क्रोध शांत हुआ और उन्होंने शाप का प्रभाव कम कर दिया और कहा कि अब से केवल भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर आपको देखने वाले को कलंक लगेगा। तब से गणेश जी का यह शाप चंद्रमा के साथ चला आ रहा है। गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन निषेध होने के पीछे की कथा आपको बताते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण पर स्यमंतक नाम की कीमती मणि चोरी करने का झूठा आरोप लगा था। झूठे आरोप में लिप्त भगवान कृष्ण की स्थिति देखकर नारद ऋषि ने उन्हें बताया कि भगवान कृष्ण ने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखा था, जिसकी वजह से उन्हें मिथ्या दोष का श्राप लगा है। नारद ऋषि ने भगवान कृष्ण को आगे बताया कि भगवान गणेश ने चंद्र देव को श्राप दिया था कि जो व्यक्ति भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दौरान चंद्र दर्शन करेगा वह मिथ्या दोष से अभिशापित हो जाएगा और समाज में चोरी के झूठे आरोप से कलंकित हो जाएगा। नारद ऋषि के परामर्श पर भगवान कृष्ण ने मिथ्या दोष से मुक्ति के लिए गणेश चतुर्थी के व्रत को किया और मिथ्या दोष से मुक्त हो गए। अब जानिए गणेश चतुर्थी के दिन किस समय नहीं करना चाहिए चंद्र दर्शन। पंचांग के अनुसार वर्जित चंद्र दर्शन का समय शनिवार 7 सितंबर 2024 को सुबह 9:29 से रात 8:44 तक रहेगा। यह अवधि 11 घंटे 15 मिनट की है, अर्थात शनिवार के दिन सुबह 9 बजे से रात लगभग 9 बजे तक चंद्र दर्शन पूरी तरह वर्जित रहेगा। गणेश पुराण के अनुसार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा देख लेने पर कलंक अवश्य लगता है, ऐसा गणेश जी का वचन है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करें, यदि भूल से चंद्र दर्शन हो जाए तो उसके निवारण के निमित्त निम्नलिखित उपाय करें, जिसे चंद्रमा के दर्शन से होने वाले मिथ्या कलंक का ज्यादा खतरा नहीं होगा, दोष मुक्त हो जाएंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि अगर भूलवश चंद्र दर्शन हो गया तो मिथ्या दोष निवारण मंत्र क्या है। जानकार विद्वानों की माने तो पंचांग के अनुसार अगर भूलवश गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन हो जाए तो मिथ्या दोष से बचने के लिए सिंह प्रसेनम विदित सिंहो जाम्बवताहत सुकुमारक मारोदी स्तव हेश स्यमंत का इस मंत्र का जाप करना चाहिए।
मंत्र का 21, 54 या 108 बार जप करके पवित्र किया हुआ जल पीने से कलंक का प्रभाव कम होता है। जानकार विद्वानों का मानना है कि इसके अतिरिक्त आप ये उपाय भी कर सकते हैं। भागवत की स्यमंतक मणि की कथा सुने या पाठ करें। शाम के समय अपने अति प्रिय निकट संबंधी से कटु वचन बोले, तत्पश्चात अगले दिन प्रातः उससे से क्षमा मांग लें। आईने में अपनी शक्ल देखकर उसे बहते पानी में बहा दें। 21 अलग अलग पेड़ पौधों के पत्ते तोड़कर अपने पास रखें। मौली में 21 दूर्वा बांधकर मुकुट बनाए तथा इस मुकुट को गणपति मंदिर में गणेश जी के सिर पर सजाएं। रात के समय मुंह नीचे करके और आंखें बंद करके आकाश में स्थित चंद्रमा को आईना दिखाइए तथा आईने को चौराहे पर ले जाकर फेंक दीजिए। गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति पर 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। इनमें से 5 लड्डू गणेश जी की प्रतिमा के पास रखकर शेष ब्राह्मणों में बांट दें। शाम के समय सूर्यास्त से पहले किसी पात्र में दही में शक्कर फेंट ले, इस घोल को किसी दोने में रख ले तथा इस घोले में अपनी शक्ल देखकर अपनी समस्या मन ही मन कहें। तत्पश्चात इस घोल को किसी श्वान को खिला दें। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कलंक चौथ कथा क्या है। द्वारिकापुरी में सतराजित नाम का एक सूर्य भक्त निवास करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उसे एक अमूल्य मणि प्रदान की। मणि के प्रभाव स्वरूप किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है और राज्य आपदाओं से मुक्त हो जाता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन को उक्त मणि प्रदान करने की बात सोची, परंतु सतराजित इस बात को जान जाता है। इस कारण वह मणि अपने भाई प्रसेन को दे देते हैं। परंतु एक बार जब प्रसेन वन में शिकार के लिए जाते हैं, तो वहां सिंह के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होता है और सिंह के मुंह में मणि देखकर जांबवंत शेर को मारकर वह मणि पा लेता है। प्रजा को जब जांबवंत के पास उस मणि होने की बात का पता चलता है, तो वह इसके लिए कृष्ण को प्रसेन को मारकर मणि लेने की बात करने लगते हैं। इस आरोप का पता जब श्री कृष्ण को लगता है, तो वह बहुत दुखी होते हैं और प्रसेन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। घने वन में उन्हें प्रसेन के मृत शरीर के पास में सिंह एवं जांबवंत के पैरों के निशान दिखाई पड़ते हैं। वह जांबवंत के पास पहुंचकर उससे मणि उसके पास होने का कारण पूछते हैं। तब जांबवंत उन्हें सारे घटनाक्रम की जानकारी देता है। जांबवंत अपनी पुत्री जांबवती का विवाह श्री कृष्ण से कर देता है और उन्हें स्यमंतक मणि प्रदान करता है। प्रजा को जब सत्य का पता चलता है, तो वह श्री कृष्ण से क्षमा याचना करती है। यद्यपि यह कलंक मिथ्या सिद्ध होता है, परंतु इस दिन चांद के दर्शन करने से भगवान श्री कृष्ण को भी मणि चोरी का कलंक लगा था और श्री कृष्ण जी को अपमान का भागी बनना पड़ता है। आइए अब जानते हैं गणेश चतुर्थी पर पूजन की संक्षिप्त विधि। भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी ही गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी का जन्म हुआ था, इस कारण यह तिथि और भी विशेष बन जाती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा बनाई जाती है। गणेश जी की इस मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाकर षोडशोपचार से पूजन किया जाता है तथा लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। संध्या समय पूजन करके चंद्रमा देखे बिना अर्घ्य देना चाहिए। चतुर्थी पूजन महत्व को जानिए। चंद्रमा को देखे बिना अर्घ्य देने का तात्पर्य है कि इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से व्यक्ति कलंक का भागी बनता है, क्योंकि एक बार चंद्रमा ने गणेश जी का मुख देखकर उनका मजाक उड़ाया था। इस पर क्रोधित होकर गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज से जो भी तुम्हें देखेगा उसे झूठे अपमान का भागीदार बनना पड़ेगा। परंतु चंद्रमा के क्षमा याचना करने पर भगवान उन्हें श्राप मुक्त करते हुए कहते हैं कि वर्ष भर में एक दिन भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को चंद्र दर्शन से कलंक लगने का विधान बना रहेगा। व्रत से सभी संकट विघ्न दूर होते हैं। चतुर्थी का संयोग गणेश जी की उपासना में अत्यंत शुभ एवं सिद्धिदायक होता है। चतुर्थी का महात्म्य यह है कि इस दिन विधिवत व्रत करने से श्री गणेश तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। चतुर्थी का व्रत विधिवत करने से व्रत का संपूर्ण पुण्य प्राप्त हो जाता है। अगर आप बुद्धि के दाता भगवान गणेश की आराधना करते हैं और अगर आप एकदंत भगवान गणेश के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय गणेश लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है
कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्मग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें।